हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कलंकित रक्षाबंधन पे नहीं था तो वो राखी भी नहीं बनवा पाया, तो आज उसका बर्थडे भी है और अंजू उस पर राखी भी बांध रही है और उसका टीका भी करेगी और उसका बर्थडे है, तो इसलिए फिर आज हम कहीं जाने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, फिर आप वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि हम कहाँ जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, थोड़ा वीडियोस लेट में आई क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो ही गई थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। और फिर आप वीडियो को इंजॉय करिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अंकित को बर्थडे की ढेर सारी विशेस देना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं इस टाइम बसु केदार, और मैं आज इसका बर्थडे है, ये बर्थडे बॉय है। हाँ, आज मेरे बर्थडे है, आज मुझे 31 साल लग गए हैं। 30 कम्प्लीट हो गए, 31 लग गए हैं। ये भी देखो, 40 लग गए हैं, 40 से 50 भी लग सकते हैं। और हम इस टाइम खाल में पहुंच गए हैं, खाल से थोड़ा ऊपर नहीं, पोखरी से ज्यादा दूर है, अभी खाल है, कर्णप्रयाग से आगे से खाल पड़ता है। और अभी हम थोड़ा बीच में रुक रखे हैं, यहाँ पे कुंड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितने लोग यहाँ पर आ रखे हैं, हमारी पूरी 2 गाड़ियाँ आ रखी है, लगे हैं इस टाइम रास्ता। यो कती ची आज दूर है? दूर कती ची माथी दूर तो छह से मस्त ची मंदिर मंदिर कती बोलो 1 किलोमीटर अच्छा 2 किलोमीटर लगभग ना। दोस्तों आपने भी सुना होगा, 2 किलोमीटर अभी ऊपर चढ़ाई है, थोड़ा कुछ बोल रहे हैं आप भी सुन। ये है कुंड, यहाँ पे शिव जी हर मूर्ति यहाँ पे लगी है और मम्मी इस टाइम पानी भर रही कुंड से। यहाँ पे पार्वती कुंड है और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, पार्वती कुंड, भगवान शंकर को अर्पण हेतु जल ले जा, अरे जल भी ले जाओ रे, यहाँ पे लिख भी रखा है यहाँ से के ये बट जाना अब। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों हमें आगे नहीं जाना है, हमें पूरा परिक्रमा करके यहाँ से अभी यहाँ पे से जाएंगे हम। यहाँ से माना जाता है कि यहाँ से जल ले जाके वहाँ से चढ़ा के यहाँ से हाँ, नीचे आते हैं। तो ये और ये है, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, यहाँ से वापस आना है, यहाँ से इधर से हमें वापस आना है और यहाँ से ये उल्टा रास्ता है, ये पूरा परिक्रमा करके हमें उधर से आएंगे हम वापिस। अरे ये दीपू पागल, देखो तुम कैसा लगा है बड़ 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 करने पे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर पर। हाँ खड़ी है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये है सोनू का बर्थडे गिफ्ट और ये शर्ट, इसने यहाँ पे फूल लगा रखा है। चाचा नेहरू, सॉरी मोटा नेहरू, चाचा नेहरू तो रेड फूल था। और दोस्तों ये देखो, इतनी चढ़ाई है यहाँ पे इस वाले रास्ते पे, और अभी सब लगे हुए हैं और अतुल रोहित तो बहुत आगे पहुँच गए हैं। और ये एक बकवास सा लड़का जो आ रखा है श्रीनगर से, ये देखो इसकी शक्ल आतंकवादी जैसा लग रहा है, और ये कहीं नहीं मिलेगा आतंकवादी जैसा, जंगलों से छूट के आया हुआ है। और ये देखो इतनी साफ सुथरी जगह पे इसने, यहाँ देखो ऐसे पॉल्यूशन कर, कहीं पर रैपर कहीं पे बॉटल, ऐसे लोग मैंने उठा दी दोस्तों। देखो ये देखो ये लोग हैं, यही लोग हैं जो हमारे उत्तराखंड को खराब कर रहे हैं। दो क्या बोलते हैं, सुन तो, दो गांव छोड़ के क्या श्रीनगर क्या चले गए, तो सोच रहे हैं कि हम पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और ये मम्मी आ रही है पानी लेके चढ़ाने के लिए, और मम्मी धीरे धीरे चल रही है।
क्योंकि मम्मी को थोड़ा दिक्कत होती है चलने में, घास रखे तो तब आ जाती सरासर, पर घास नहीं है मम्मी के पास, इसलिए मम्मी बहुत बहुत धीरे धीरे चल रही है। देखिए दोस्तों कैसे ले जाना पड़ रहा है यहाँ, हरियांज बोल ली सुमन पे स्टॉल बांधो और उसके बाद घसीट के ले जाओ ऊपर को, घसीट नहीं खकोड़ के, स्थानीय भाषा में खकोड़ करके ले जाओ, गढ़ वाली भाषा में खकोड़ना बोलते हैं उसको, खकोड़ करके ले जाओ। गढ़वाली तो मैं कौन से बोलो नहीं था दोस्तों, आज दुकान आज है दोस्तों, ऊपर से पेड़ से कोई गढ़वाई बोनो, कोई हिंदी बोनो, जे मन में जो आई वे भाषा बोनो है, वे भाषा प्रयोग करो है, अब बोले ए सोनी इधर देख दोस्तों, पेड़ ऊपर से पेड़ गिर रहा है, हाँ बोल बोल तू भी बोल दे, बोल ना भाई बोल ना, पेड़ गिर रहा बोल, ये सोनी यहाँ देख, यहाँ देख बोल ना, ये देख ये है दोस्तों शर्मा करके ऊपर से ऐसे टहनी उठा रहा, पेड़ गिर रहा और तब सामने पे नहीं आ रहा, ये देखिए सीधे निकल गया ऊपर को है। देखिए दोस्तों कितने ऊपर जाना, अभी बहुत चढ़ाई है, ये देखो अतुल, ये देखो रोहित, इनके गांव में रोड नहीं, ये बहुत ऊपर पहुंच गए हैं और अभी हम लगे हैं, इनके गांव में रोड नहीं, और देखो कैसे धार है बढ़िया सी और नजारा भी कुछ अलग ही नजर आ रहा है, वाव देखो दोस्तों उधर वो हमारी गाड़ी खड़ी है, उधर 11 गांव दिखाई दे रहा है यहां पे, ये है खाल गांव, यहाँ से दोस्तों गौचर के लिए भी जाती है रोड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे से नीचे ये सीधे गौचर मिलती है रोड, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, ये देखिए और हालत ख़राब हो गई है, हम आज 12 बजे निकले घर से, ऐसा मत करना भाई, हाँ बोले, हम आज 12 बजे घर से निकले, हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था आने का, वो तो होता ही है दोस्तों, जहाँ आज्ञा होती है भगवान वही दरबार में बुला देता है, चलो आज भगवान ने अपने दरबार में हमें आमंत्रित किया है, ये है दोस्तों कुछ बोल रहा है, ये भगवान के प्रति बोल रहा है, ये कुछ बताइए आप, देव के देव जय महादेव, ये बोला आपने ये बोला दोस्तों खांड आ रखा है ये ऐसा मजाक उड़ाता है, ये देखिए आप इसकी शक्ल देखिए, बोल नहीं पाता, बकवास कर सकता है, हाँ जब ये कैमरे के आगे आता है तो ये बोल नहीं पाता है, बकवास बहुत करता है ये, भाई वो तो दोस्तों बहुत दूर से आए और अभी भी बहुत दूर जाना है, ये चढ़ाई है, ये देखिए रास्ता देखो कैसा हो रखा है दोस्तों, बहुत गंदा रास्ता है, इधर फिसलन का भी बहुत ज़्यादा, ये देखो फिसलन बहुत ज़्यादा हो रखी रास्ते पे, और दोस्तों आना इधर, इस टाइम बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, काफ़ी ऊपर टॉप में पहुँच गए हैं और दोस्तों यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे ये देवी माँ का लग रहा है, ये देखिए, नहीं यहाँ पे मान्यता है कि अगर हमारी मन्नत, हम कुछ मन्नत मांगते हैं मंदिर में और वो पूरी हो गई तो यहाँ पे चढ़ावा देते हैं, यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे तभी जय हो भगवान, दोस्तों शायद अब पहुँचने वाले होंगे क्योंकि बहुत दूर से आगे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और नज़ारा देखो कुछ अलग ही है यहाँ का, वाओ हरियाली हरियाली छा रखी है आजकल हर जगह, और देखते हैं
दीपू बोल रहा है कि शायद मंदिर आने वाला है, देखते हैं कितना दूर है। चश्मा मेरे को लगा उल्टा पहन रखे खोपड़ी में, वो लगाते रखे उसने पीछे खोपड़ी पे, तो डिंगड़ी भी मार सकते हैं। और रास्ता भी देखिए फिसलन वाला है और खाई पूरा। वाह मजा आ गया आज, बर्थडे का भी फुल एंजॉय। मेरे को लग रहा मंदिर भी आ ही गया क्योंकि जंगल के दिखाई दे रहा, जंगल से ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए हल्का दिखाई दे रहा है। अरे छुट्टी कर दी, चलो चलो। घंटी बजा रहे हैं अतुल और रोहित, मंदिर आ गया है दोस्तों। अर्दीपू खुश हो गया, काफी टॉप में है ये मंदिर भी, आपके चेहरे पे खुशी क्योंकि बहुत ये सुमन कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। और ये है दोस्तों जो रास्ता है जो आंटी जी ने बताया था वहाँ पे, ये यहाँ से परिक्रमा करके सीधे नीचे जाना है, ये रास्ता दिखाई दे रहा है। तो कहा जाता है कि पूरे मंदिर की परिक्रमा हो जाती है, पूरे मंदिर की परिक्रमा हो जाती है, यहाँ से आना पड़ता है, वहाँ से नीचे जाना पड़ता है। हेलो मिस्टर रिपोर्टर, हाँ आज तक से आपकी तक सुमन कमटा, आप बताइए इधर आज दिखाते हैं, हम आज आए हैं बस केदार और आज दिखाते हैं आपको यहाँ का। ठीक है ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ से आने के बाद और पानी चढ़ा के रास्ते जाएंगे तो यहाँ की परिक्रमा हो जाती है। अच्छा, ये आंटी ने बताया उनकी दुकान है और यहाँ नीचे पे आंटी, इसने भी ये दोस्तों सुना है नीचे इसलिए वो बोल रही है ऐसा कुछ। ओ तार भी बिल्कुल नजदीक है तो सही, यहाँ पे खतरे का। और ये कैसे धक्का मार रहा है यार।